जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर है जहां पर पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत 23 साल के होने पर 370 बच्चों को 10 लाख रुपए की धनराशि मिलने वाली है। बता दें, कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए केंद्र की पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत काम शुरू किया गया है। बता दें, कलेक्टर ने शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी करके सभी बच्चों को कल्याण समिति के सामने पेश करने के निर्देश जारी किए हैं। ऐसे 370 बच्चों की सूची तैयार करी गई है जिन्हें इस योजना के तहत 23 साल होने की स्थिति में 10 लाख रुपए मिलने हैं। इसी तरह स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनके कल्याण की व्यवस्था रखी जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी दुलार योजना से ऐसे बच्चों के निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्ति की व्यवस्था की थी। इसके योजना के बाद से सबसे बड़ा सवाल यही उठाया जा रहा था कि बच्चों की देखभाल कैसे होगी। ऐसे में केंद्र की एक और अन्य योजना से ऐसे बच्चों के देखभाल पर काम शुरू किया गया है। बिजली दरें बढ़ाने पर भाजपा का एक जोरदार हंगामा सामने आ रहा है। हाथों में लालटेन लेकर बिजली दफ्तर पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ता, बोले जनता की जेब में पैसे डालने का वादा था, डाका डालने लगी है कांग्रेस। दरअसल छत्तीसगढ़ में बिजली के दाम बढ़ाए जाने के बाद से भाजपा हमलावर है। बता दें, भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रायपुर के डगनिया स्थित बिजली दफ्तर पहुंच गए। साथ ही साथ हाथों में लालटेन लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान माहौल गरमाया तो पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि तय कार्यक्रम के बाद भी पार्टी के बड़े नेता और पूर्व मंत्रियों ने इससे दूरी बनाए रखे हैं। वहीं भाजपा ने बढ़े दामों को वापस लेने की डिमांड भी कर रखी है। बता दें, भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि जनता की जेब में पैसा डालने का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस सरकार जनता की जेब में अब डाका डाल रही है। खाद के लिए कांग्रेस जो है सड़कों पर उतर चुकी है। प्रदेश भर में जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर जो है सत्ताधारी पार्टी धरना प्रदर्शन करने वाली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष धरसीवा और कवर्धा में प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे। प्रदेश भर में रासायनिक खाद को लेकर मचे हाहाकार के बीच सत्ताधारी कांग्रेस दल सड़क पर उतरने वाली है। खाद की कमी को लेकर के केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताते हुए पार्टी नेता और कार्यकर्ता जो है प्रदेश के जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन आज करने वाले हैं। प्रदेश कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम रायपुर के धरसीवा ब्लॉक और कवर्धा जिले में आयोजित प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले हैं। वहीं संगठन के वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग जिलों और ब्लॉकों में पहुंचने की जिम्मेदारियां सौंपी गई है। वहीं धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेता स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजने वाले हैं। कोरोना की चपेट में बचपन धीरे धीरे आता हुआ दिख रहा है। सूरजपुर में 12 बच्चे संक्रमित मिले हैं कोरोना के इस स्कूल खुलने के बाद। सभी प्राइमरी व मिडिल स्कूल के बच्चे हैं। बलरामपुर में भी मोहल्ला क्लासेस के 3 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में स्कूल खुलने के साथ ही कोरोना संक्रमण ने बच्चों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। वही बता दें, सूरजपुर में 12 बच्चे जो है संक्रमित पाए गए हैं। सभी बच्चे प्राइमरी और मिडिल स्कूल के हैं। वही बलरामपुर में भी मोहल्ला क्लासेस में 3 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई हुई है। सभी बच्चे अलग अलग गांवों के हैं। इसके बाद पंचायत स्तर से स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। सूरजपुर के केरता में मिडिल और प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की बुधवार को जांच की गई। इसमें दोनों स्कूलों के 6-6 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर ब्लॉक के मितगई व बरवाही पंचायत में चल रहे मोहल्ला क्लासेस में 3 छात्र जो है संक्रमित पा चुके हैं। सरकारी जो भर्तियां हैं वो यहां पर रुकी हुई थी, जिसको शुरू किया जा चुका है। 14,000 युवाओं को अब सरकारी नौकरी मिलने वाली है। 25 अगस्त तक सभी की ज्वाइनिंग और पोस्टिंग से जुड़े काम जो है पूरी तरह कंप्लीट होने वाले हैं। अच्छी खबर है, छत्तीसगढ़ सरकार ने 25 अगस्त तक शिक्षकों की पोस्टिंग और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश जारी किए हैं। लोक शिक्षण सचिवालय की तरफ से जारी आदेश में 14,580 पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में सभी संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को ये भेजा है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि स्कूल खोले जाने की वजह से अब शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी सभी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल 2 साल पहले ही इन पदों पर भर्ती हो चुकी थी, लेकिन शिक्षकों को ज्वाइनिंग और पोस्टिंग नहीं मिलने के कारण मामला अटका हुआ था। लगातार चयनित शिक्षक जो है धरना प्रदर्शन और हड़ताल कर रहे थे।
सुबह सुबह किसानों ने कृषि मंत्री का बंगला घेरा। सूरज निकलने से पहले ही ये जो किसान है पहुंच गए थे कृषि मंत्री का बंगला घेरने के लिए। बोले 51 साल से खेती कर रहे थे, सरपंच और उप सरपंच ने किया बेदखल, वही खड़ी फसल मवेशियों से चरवा दी गई। खबर आ रही है राजधानी रायपुर में अभनपुर क्षेत्र के साने सिल्ली गाँव के लगभग 23 किसान परिवारों ने गुरुवार तड़के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे का बंगला घेर लिया। महिलाओं और बच्चों के साथ लेकर के आए किसान जमीन वापसी की मांग कर रहे थे। घेराव की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसानों को वहां से जबरन हटाकर बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पहुंचा दिया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक वे लोग कृषक सहकारी समिति सोने सिल्ली से जुड़े हुए हैं। पिछले 51 वर्षों से गांव की खाली जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। इस साल गांव के सरपंच और उप सरपंच ने उनको जमीन से बेदखल करने की कार्यवाही शुरू कर दी और उनकी खड़ी फसल को मवेशियों से चरवा दिया। इस वजह से इस जमीन पर SDM और न्यायालय ने स्थगन के आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली में नारेबाजी, लेकिन इसकी गूंज छत्तीसगढ़ में भी सुनाई दे रही है। सिंहदेव के समर्थकों ने कांग्रेस मुख्यालय पर लगाए नारे, छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है। संसद घेराव में पहुंचे थे लगभग 2000 से भी ज्यादा कार्यकर्ता। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अंदरूनी सियासत दिल्ली के में कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंच गई है। बता दें युवा कांग्रेस के सांसद घेराव करने पहुंचे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की सड़कों पर स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के समर्थन में नारेबाजी की। कार्यकर्ता बड़ी देर तक सिंहदेव के लिए जिंदाबाद और छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है जैसे नारे लगाते रहे। बताया जा रहा है कि युवा कांग्रेस के इस प्रदर्शन के लिए 3 अलग अलग समूह में तकरीबन 2000 से भी ज्यादा कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे थे। इसमें छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कोको पाही के साथ तकरीबन 1100 लोग भी शामिल थे। निखिल द्विवेदी, आदित्येश्वर शरण सिंहदेव के नेतृत्व में भी कार्यकर्ता अलग अलग माध्यमों से दिल्ली पहुंचे थे। माध्यमिक शिक्षा मंडल का अजीबोगरीब फैसला सामने आ रहा है। बोर्ड के कोर्स में 40% तक कटौती हुई है, पर 9वीं और 11वीं के लिए सभी चैप्टर जरूरी हैं। छात्रों के साथ दोहरे मापदंड को लेकर के अफसर भी लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से 10वीं 12वीं के पाठ्यक्रम में इस सत्र में भी 40% तक कटौती कर दी गई है। यानी कि इस कक्षा के छात्रों को पूरा पाठ्यक्रम का लगभग आधा चैप्टर ही पढ़ना होगा। आगामी बोर्ड परीक्षा में इसी आधार पर सवाल पूछे जाएंगे। वहीं 9वीं और 11वीं में पढ़ने वाले छात्रों के पाठ्यक्रम में किसी तरह के कोई कटौती नहीं की जा रही है। छात्रों को सभी चैप्टर पढ़ने होंगे। हालांकि अभी तक 9वीं और 11वीं की ऑफलाइन परीक्षाएं भी सभी जगह शुरू नहीं हुई है। फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई ही कराई जा रही है। कोरोना प्रोटोकॉल के बीच मनाया जाएगा छत्तीसगढ़ में आजादी का पर्व। सामान्य प्रशासन का फरमान है सांस्कृतिक कार्यक्रम और रैलियों पर रोक, करना होगा कोविड गाइडलाइन का पालन। दरअसल स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर गरिमामय माहौल में कोरोना प्रोटोकॉल के बीच मनाया जाएगा। जिला प्रशासन ने महामारी को ध्यान में रखते हुए विशेष सावधानी के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने का यानी कि जश्न मनाने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी भी कर दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग से जारी निर्देश के अनुसार स्वतंत्रता दिवस गरिमामय माहौल में लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के साथ मनाया जाएगा। जिला स्तर पर मुख्य अतिथि ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण के बाद पुलिस और नगर सैनिक की टुकड़ियां सलामी दी जाएगी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। वहीं मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री के जनता के नाम संदेश का वाचन भी करेंगे। नक्सलियों ने कमांड आईडी के माध्यम से बोलेरो को उड़ा दिया। बता दें नारायणपुर और दंतेवाड़ा के बीच किया गया ब्लास्ट, इनमें से मध्य प्रदेश के एक युवक की मौत भी हो गई है। 11 लोग घायल हुए हैं, एक की हालात गंभीर है। 10 राजनांदगांव के रहने वाले थे। दरअसल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा नारायणपुर के बीच सुबह नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट करके एक बोलेरो को उड़ा दिया। इससे बोलेरो में सवार मध्य प्रदेश के एक युवक की मौत हो गई, जबकि 13 अन्य लोग घायल हो गए। इसमें एक की हालत गंभीर है। सूचना मिलने पर दंतेवाड़ा SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव सहित जवान मौके पर पहुंचे हैं। वहीं घायलों को एम्बुलेंस से दंतेवाड़ा के गीदम स्थित अस्पताल लाया गया है। खास बात यह है कि नक्सलियों ने कमांड आईडी यानी कि रिमोट दबाकर ब्लास्ट किया है। आमतौर पर नक्सली कमांड आईडी का इस्तेमाल बड़े हमले के दौरान करते हैं। इस दौरान बता दें कि जो जानकारी के मुताबिक नारायणपुर से कुछ लोग एक बोलेरो से दंतेवाड़ा आ रहे थे, जो यहां पर पुलिस गाड़ी समझ करके नक्सलियों ने इसे ही उड़ा दिया।
दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है। इससे आपको फायदा ये होगा कि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो लेकर के आते हैं महत्वपूर्ण खबरों के, छत्तीसगढ़ समाचार की, वो बिना किसी रुकावट के सीधे आप तक पहुंचती रहेंगी। तो ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब करने का। और अब चलिए छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की पुष्टि के बारे में बात करें, तो बीते 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ में आज 114 नए कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कांकेर से सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। बता दें राज्य में बीते 24 घंटे के दौरान 114 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें से सबसे अधिक 17 कांकेर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक किसी भी जिले में 50 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं, एक राहत की बात है। वहीं राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग से 9, राजनांदगांव से 1, बालोद से 1, बेमेतरा से 0, वहीं रायपुर से 2, धमतरी से 1, बालौदा बाजार से 2, महासमुंद से 2, गरियाबंद से 5, बिलासपुर से 9, रायगढ़ से 5, कोरबा से 7, जांजगीर चांपा 3, मुंगेली से 0, जीपीएम से 1, सरगुजा से 5, इस प्रकार के विभिन्न जो है जिलों से कुल मिलाकर के बात करूं तो 114 कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। सीएम के लिए भाजपा में कई चेहरे हैं। रमन सिंह ने मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री के लिए कई नाम हैं, उनमें से एक नाम मेरा भी है। सरकार शराबबंदी नहीं करेगी क्योंकि गंगा जल लेकर के कसम नहीं खाई है। बता दें छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं होगी, ये खुलासा किया है डॉक्टर रमन सिंह ने। रायपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने बात कही है। प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा के दौरान शराबबंदी के मुद्दे पर विधानसभा के अंदर सरकार से मिले एक जवाब का जिक्र करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने दोहराया कि प्रदेश में शराबबंदी नहीं होने वाली है। इस पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि विधानसभा में सरकार की तरफ से कहा गया है कि चुनाव के वक्त जिन वादों के लिए हाथ में गंगा जल लेकर कांग्रेस नेताओं ने कसम खाई वो वादे पूरे किए जाएंगे, जिन वादों के लिए गंगा जल हाथ में नहीं लिया वो वादे पूरे नहीं होंगे। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने आगे कहा कि उस वक्त मैंने विधानसभा में पूछा था कि फाइनल बता दीजिए कि कौन कौन से वादे गंगा जल हाथ में लेकर किए गए थे, ताकि हमारे दिमाग से ये साफ हो जाए कि आप कौन से वादे पूरे करेंगे कौन से नहीं। फिलहाल ये जो है पत्रकारों से चर्चा के दौरान ये सभी बातें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कही हुई हैं। और अब खबर आ रही है श्रम बल में छत्तीसगढ़ की महिलाओं की भागीदारी देश में दूसरे नंबर पर है। एक अच्छी खबर भी आप इसको समझ सकते हैं, जहां पर श्रम बल सर्वेक्षण के मुताबिक छत्तीसगढ़ की महिलाओं की भागीदारी श्रम बल में देश में दूसरे नंबर पर रही है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी 53.1% है। श्रम बल में महिलाओं की सबसे अच्छी रिकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में 65% रही है। हाल ही में जारी श्रम बल सर्वेक्षण के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में 15 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी यानी कि LFPR 5.5% बढ़कर 24.5% से 30% पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल हुए हैं। 38 ASP और 69 DSP स्तर के अफसरों का तबादला हुआ है, पूरी लिस्ट जारी की गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। राज्य पुलिस सेवा के 107 अफसरों का तबादला किया गया है। इनमें से जो है 38 ASP यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इनमें से 69 DSP और साथ ही साथ DSP स्तर के अफसरों के नाम शामिल है। इनमें से पिछले दिनों DSP से ASP पद पर पदोन्नत किए गए जो अफसर है ये भी यहाँ पर शामिल है। गृह विभाग के अपर सचिव मनोज श्रीवास्तव ने बुधवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। खैर दोस्तों अब आज की खबरों का सिलसिला यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन दिया है उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार से रोजाना बिना किसी रुकावट के हम आप तक सीधे पहुँचा सकें।